सो फ्रेंड्स, आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं टेरिडोफाइटा की। इससे पहले अपन ने एल्गी के बारे में और ब्रायोफाइटा के बारे में देख लिया था। आज अपन बात करेंगे टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा के बारे में आज अपन देखेंगे कि टेरिडोफाइटा का थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन क्या होता है ना, टेरिडोफाइटा से रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन है वो कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और बोर्ड लेवल के एग्जाम में आपको किस तरह से लिखना है, ये सारी चीज अपन इस वीडियो में देखेंगे। और देखेंगे टेरिडोफाइट का क्लासिफिकेशन और इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इसकी उत्पत्ति कहां से होती है, यानी इसका ओरिजन कहां से होता है ना, टेरिडोफाइटा का ओरिजन कहां से हुआ है, यानी टेरिडोफाइटा है इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है। तो ओरिजिन ऑफ टेरिडोफाइटा, तो टेरिडोफाइटा का जो ओरिजिन हुआ है वो हुआ है पेलियोजोइक जो महाकल्प है उसके सिलूरियन काल से हुआ है। तो टेरिडोफाइटा की उत्पत्ति कहां से हुई है, इसका जन्म कहां से हुआ है, पेलियोजोइक महाकल्प के सिलूरियन काल से। तो ये चीज आपने देख ली होगी। एक चीज ये पूछ ली जाती है कि टेरिडोफाइट की उत्पत्ति कहां से हुई है, तो कहां से हुई है, पेलियोजोइक महाकल्प के सिलूरियन काल से हुई है। किसकी, टेरिडोफाइट की। अब बात कर लेते हैं टेरिडोफाइट को अपन दो भागों में डिवाइड करके एक पूरा नाम बनाते हैं। तो पहला क्या आ जाता है, टेरोन, और दूसरा क्या आ गया, फाइटोन। अब क्या होता है, जो टेरोन होता है, टेरोन्स का मीन्स होता है पंख या ना फेदर। टेरोन्स का मीन्स क्या हो गया, पंख या ना फेदर हो गया। और जो फाइटोन है, फाइटोन का मतलब आप जानते हो प्लांट होता है ना, पादप होता है, क्या होता है, प्लांट। अब इसका मीन्स आपको पता चल गया होगा, क्या इसका मीन्स क्या होता है ना, इसका अर्थ आपको पता चल गया होगा, या ना ऐसे प्लांट जिनमें क्या होता है पंख लाइक क्या होती है, है ना, पंख सदृश्य पत्तियों वाला पादप होता है। कौन सा होता है, पंख लाइक पत्तियों वाला प्लांट होता है, कौन होता है, टेरिडोफाइट। तो टेरिडोफाइट का मीन्स यहां पे क्या हो गया, पंख लाइक पत्तियों वाला पादप, है ना, पंख लाइक पत्तियों वाला पादप कौन सा होता है, टेरिडोफाइटा। क्या होता है, पंख लाइक पत्तियों वाला प्लांट होता है। अब क्या होता है, ये जो टेरिडोफाइट होते हैं इन टेरिडोफाइट को क्या बोलते हैं, सहयोनी पुष्पोद्भिद, यानी वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स भी बोला जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए। कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि टेरिडोफाइट का दूसरा नाम इसको और किस नाम से बोला जाता है, तो टेरिडोफाइट को किस नाम से बोला जाता है, सहयोनी अपुष्पोद्भिद, संवहनी अपुष्पोद्भिद नाम से बोला जाता है, यानी वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स। किस क्या नाम से बोला जाता है, वेस्कुलर क्रिप्टो गेम्स, यानी संवहनी अपुष्पोद्भिद, वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स नाम से भी इसको बोला जाता है। और क्या होता है, जो ये क्लास यानी जो टेरिडोफाइट की जो क्लास के जो प्लांट्स होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, स्पष्ट पिड्ढी एकांतरण पाया जाता है, यानी डिस्टेंस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। तो इसमें क्या पाया जाता है, इस क्लास के जो प्लांट होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, स्पष्ट पिड्ढी एकांतरण। क्या पाया जाता है, डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ऑफ जनरेशन। तो इंपॉर्टेंट चीज देख ली अपन ने, क्या क्या देख लिया, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, पेलियोजोइक महाकल्प के सिलूरियन काल से हुई है, और इसको क्या, और इसका जो पंख वाले प्लांट होते हैं, टेरिडोफाइट किन में पाएंगे, जिनमें पंख लाइक क्या होगी,
पत्तियों वाले प्लांट होंगे। और इनको क्या बोलते हैं, इनको संवहनी एपिस्पोद्भिद बोलते हैं। और इनमें क्या पाया जाता है, इनके जो क्लास के जो प्लांट होते हैं, वर के जो प्लांट है, उनमें क्या पाया जाएगा, स्पष्ट पीडी एकांतर पाया जाता है। अब इनकी जो संख्या होती है उनके बारे में देख लेते हैं। तो कोई स्क्रीनशॉट लेने वाला हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से। अब बात कर लेते हैं अपन कि विश्व के अंदर या ना वर्ल्ड के अंदर इनकी क्या पोजीशन है। तो वर्ल्ड के अंदर जो इनके वंश हैं वो कितने, 400 वंश हैं। इंपॉर्टेंट चीज है, देख लीजिए, विश्व के अंदर कितने, 400 वंश पाए जाते हैं। और इनकी जो स्पीसीज है, जातियां, वो कितनी है, 10,500। क्या होती है, जातियां होती हैं। ये जो बता रहा हूं वंश एंड स्पीसीज, ये इनके जो जीवित, फिलहाल जो जीवित है यानी लिविंग है वो, और जो फॉसिल है जो जीवाश्म है, उनके बारे में सबको जोड़ के वंश कितने हैं, 400, और स्पीसीज कितनी है, 10,500। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इंडिया में कितने पाए जाते हैं। विश्व के अंदर तो देख लिया 400 वंश है और ये 10,500 स्पीसीज है। इंडिया के अंदर इनके लगभग 204, लगभग 204 तो क्या है, वंश है, और लगभग 1,000 स्पीसीज है। वही बात, जीवित एंड फॉसिल। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपन ने इंडिया की कर ली, तो इंडिया में राजस्थान की भी कर लेते हैं। तो अपने राजस्थान के अंदर क्या है, 29 वंश पाए जाते हैं। कितने, 29 वंश है, और 63 इसकी स्पीसीज देखने को मिलती है। तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विश्व के अंदर तो कितने हो गए, 400 वंश हो गए और 10,500 स्पीसीज होगी। भारत के अंदर क्या होगी, 204 वंश हो गए, स्पीसीज कितनी होगी, 1,000 होगी। राजस्थान में क्या हो गए, 29 वंश हो गए और 63 स्पीसीज होगी। तो अब देख लेते हैं इसका क्लासिफिकेशन जल्दी से, ताकि टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा, और कुछ बताना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट यानी इसके क्लासिफिकेशन की। टेरिडोफाइट का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। अभी जो टेरिडोफाइट का जो क्लासिफिकेशन है यानी इसको किसने दिया था, एक तो थे इम्स नामक वैज्ञानिक, एक थे स्मिथ, एक थे टिपो, एक थे स्पोर्नो और एक थे बोहर हार्ट्स, बोहर हॉट्स। ठीक है, इन वैज्ञानिकों ने क्या था, इसका क्लासिफिकेशन बताया था। इन्होंने क्या किया, इसका जो क्लासिफिकेशन है इनको यानी टेरिडोफाइट्स है, इनको चार क्लास के अंदर बांट दिया। कितनी, चार क्लास। अब वो चार क्लास कौन कौन सी है वो अपन देख लेते हैं। तो बात करेंगे क्लास नंबर एक की। पहली क्लास है साइलोप्सिडा। पहली क्लास कौन सी है, साइलोप्सिडा। साइलोप्सिडा के बारे में देख लेते हैं। ये जो साइलोप्सिडा है ये सबसे प्राचीन संवहनी है ना वेस्कुलर प्लांट है। कौन सा है, साइलोप्सिडा क्या है, सबसे पुराना या ना सबसे ओल्ड संवहनी पादप है या ना वेस्कुलर प्लांट है। सबसे पुराना क्या है, ये संवहनी पादप है। और फिलहाल है ना प्रेजेंट टाइम है ना वर्तमान के अंदर क्या है कि इसके केवल दो ही वंश बचे हैं, यानी इसके केवल दो ही वंश क्या है, जीवित है, यानी साइलोप्सिडा है, साइलोप्सिडा क्लास है, इसके ओनली फोर, दो वंश है वो ही जीवित है, बाकी के सब क्या हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं या उनको निर्माण फॉसिल में हो चुका है। तो वो दो कौन कौन से हैं, उन दो के नाम बता देता हूं, नाम पूछ लिए जाते हैं। पहला तो है साइलोटम। कौन सा है, साइलोटम, नोट कर लीजिए जो नोट करने वाला है। पहला तो कौन सा है, साइलोटम है, और दूसरा कौन सा है, मेसिप्टेरिस। कौन सा है, मेसिप्टेरिस। साइलोप्सिडा सबसे पुराना संवहनी वेस्कुलर प्लांट है, इसके दो वंश है वो भी जीवित है। वो दो कौन कौन से हैं, साइलोटम एंड मेसिप्टेरिस। ठीक है, अब नंबर सेकंड की बात कर लेते हैं कि सेकंड क्लास कौन सी है। तो उसकी जो सेकंड क्लास है वो है लाइकोप्सिडा।
पहले तो कौन सी होगी, साइलोप्सिडा, दूसरी कौन सी होगी, लाइकोप्सिडा। अब ये जो लाइकोप्सिडा है ये क्या है, काफी लंबा है और ये क्या है, भूगर्भीय इतिहास है इसका, यानी इसका इतिहास भी वो क्या है, बहुत पुराना है। ये क्या है, काफी लंबी क्लास है इसकी, ठीक है, सबसे लंबी है ये, यानी काफी लंबी है, भूगर्भीय इसका इतिहास है। लेकिन इसके इसके अंदर तो दो थे वंश, और इसके ओनली फोर कितने, चार वंश बचे हैं, ओनली फोर वंश बचे हैं इसके। अब वो फोर वंश कौन से हैं, उनके मैं आपको नाम बता देता हूं। पहला वंश तो है इनका लाइकोपोडियम, कौन सा है, लाइको पोडियम। नंबर दो है सिलेजी नेला, पहला लाइकोपोडियम, दूसरा सिलेजी नेला, तीसरा कौन सा हो गया, फिलोग्लोसम। तीसरा कौन सा हो गया, फिलोग्लोसम हो गया, ठीक है। बात कर लेते हैं नंबर चार की, नंबर चार है आइसोइट्स, आइसोइट्स कौन सा हो गया, आइसोइट्स। तो लाइकोप्सिडा दो दो क्लास तो देख ली, साइलोप्सिडा एंड लाइकोप्सिडा। साइलोप्सिडा के दो वंश बचे हैं, कौन से, साइलोटम एंड मेरिप्टेरिस। लाइकोप्सिडा के कितने हैं, चार वंश बचे हुए हैं, कौन कौन से हैं, लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, फिलोग्लोलस ग्लोसम और आइसोइट्स, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नंबर तीन की, है ना, क्लास नंबर तीन की बात कर लेते हैं। क्लास नंबर तीन कौन सी है, स्फिनोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा, अब ये स्फिनोप्सिडा है, इसके अंदर ओनली फोर वन, एक ही वंश इसका जीवित है। ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, वो पहला एक ही वंश बचा है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है इक्विसिटम, इक्विसिटम। ये नाम सुना सुना सा लग रहा है, सुना सुना नहीं, सुना सुना का मतलब सुना हुआ लग रहा है, ऐसा नहीं कि सुना सुना लग रहा है, इक्विसिटम। अब इक्विसिटम है, इसका एक नाम हो रहा है, ये नाम पूछ लिया जाता है। इक्विसिटम को क्या बोलते हैं, हॉर्स टेल भी बोला जाता है, नाम सुना होगा, हॉर्स टेल भी, हॉर्स टेल मतलब अश्व पूंछ है, वो भी इसको बोला जाता है। इक्विसिटम को क्या बोला जाता है, अश्व पूंछ है ना, हॉर्स टेल है ये भी बोला जाता है। अब बात कर लेते हैं कि लास्ट फाइनल क्लास, इसके बाद इकोनॉमिक इंपोर्टेंट देखेंगे। क्लास नंबर चार टेरोप्सिडा, कौन सी आ गई, क्लास नंबर चार आ गई टेरोप्सिडा। ये टेरोप्सिडा है, ये क्या है, सबसे बड़ा वर्ग है, यानी किसका, टेरिडोफाइटा का सबसे बड़ा वर्ग है, सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है, टेरोप्सिडा, सबसे बड़ा वर्ग कौन सा आ गया, टेरोप्सिडा। और इसके अंदर जो सदस्य पाए जाते हैं ना, इसके जो टेरिडोप्सिडा के जो मेंबर्स होते हैं, उन मेंबर्स को क्या बोला जाता है, ये चीज कई बार पूछी गई है, तो उनको बोला जाता है फर्न। ये नाम भी आपका सुना सुना लग रहा है ना, जो टेरोप्सिडा क्लास है उनको क्या बोला जाता है, फर्न भी बोला जाता है, ठीक है, फर्मी बोला जाता है। और इसके कुछ मेन प्लांट्स हैं, उनके नाम बता देता हूं, ये नाम थोड़े याद रखने वाले नाम है, पूछ लिए जाते हैं। इनके टेरोप्सिडा क्लास के कुछ मेन मेंबर्स हैं, या ना प्लांट है, उन प्लांट के नाम है, एक तो आ गया टेरिस, मार्सिलिया, टेरिडियम, एक एडियन टम, कौन सा आ गया, एडियन टम। तो इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतने का पहले तो ले लिया होगा, अब इसका ले लीजिए, ले लिया होगा। तो अपन ने क्लास चार क्लास देख ली, कौन कौन सी देख ली, साइक्लोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, फिनोप्सिडा, टेरिडोप्सिडा। साइक्लोप्सिडा के कितने हैं, दो वंश बचे हैं, इसके चार वंश बचे हैं और इसका एक वंश बचा है, ठीक है।
सबसे बड़ा कौन सा है? टेरिडोप्सिडा। इसको क्या बोलते हैं? फर्न बोला जाता है, ये चीज भी याद रखनी है। और जो फिनोप्सिड है उसमें जो एक वंश बचा है वो इक्विसीटम। इक्विसीटम को क्या बोलते हैं? हॉर्स टेल है, ये भी बोला जाता है। इन दो को इतना नहीं पूछा जाता जितना इन दोनों को पूछ लिया जाता है। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस सबसे ज्यादा टेरोप्सिडा के जो सदस्य हैं उनका इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ज्यादा होता है इनकी इस क्लास की बजाय। तो अब देख लेते हैं इकोनॉमिक इंपोर्टेंस, है ना, टेरिडोफाइट का आर्थिक महत्व देख लेते हैं। आर्थिक महत्व इसका, आर्थिक महत्व देख लेते हैं। तो जो टेरिडोफाइट होते हैं वो क्या होते हैं? लाभदायक भी होते हैं, है ना, यूजफुल भी होते हैं, तो क्या होते हैं? हार्मफुल भी होते हैं ना, हानिकारक भी होते हैं। लाभदायक कैसे होते हैं, हानिकारक कैसे होते हैं, ये अपन को बात करनी है। तो जो टेरिडोफाइट्स होते हैं इनका यूज किसमें किया जाता है? औषधि के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है? औषधि बनाने के रूप में। इसके जो प्लांट है उनका, जैसे कि कौन सा होता है? एंजियोप्टेरिस होता है। कौन सा? एंजियोप्टेरिस। जो एंजियोप्टेरिस है इसका जो यूज होता है वो रेबीज के अंदर किया जाता है ना। कुत्ता काट जाता है तो कुत्ते के काटने से रेबीज जो होता है उसके इलाज के लिए एंजियोप्टेरिस है इसका यूज किया जाता है। तो इसका पहला यूज तो क्या हो गया? औषधि के रूप में। दूसरा क्या हो गया? सजावट के रूप में। अब सजावट के रूप में कैसे किया जाता है? अब क्या हो जाए, सजावट के रूप में जो टेरिडियम, अभी अपन ने देखा था टेरिडोप्सिडा का, ये अपन ने टेरिडोप्सिडा देखा, इसमें अपन ने टेरिडियम एग्जाम्पल देखा, ये टेरोप्सिडा है अपना, इसमें अपने टेरिडियम का जो एग्जाम्पल देखा है। ये जो टेरिडियम होता है ये क्या होता है? इनको घर के अंदर गमलों के रूप में, गमलों के अंदर लगा दिया जाता है, जिससे क्या होता है? घर की सजावट के रूप में इनका यूज किया जाता है, ठीक है। नंबर तीन आ जाता है भोजन के रूप में। अब क्या जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, यानी टेरिडोफाइट्स को क्या बोला, यानी टेरिडोफाइट्स में भी जो फर्न होते हैं, फर्न कौन से, जो फर्न होते हैं उनके अंदर क्या होता है? स्टार्च पाई जाती है। क्या पाई जाती है उनमें? स्टार्च की मात्रा क्या होती है? ज्यादा पाई जाती है, जिसलिए इनको क्या होता है? भोजन के रूप में, यानी उबाल के इनको खाया जाता है। इसका भी एग्जांपल क्या हो गया? टेरिडियम। सजावट के रूप में भी टेरिडियम का यूज करते हैं और फर्न होती है यानी जिनसे भोजन के रूप में भी टेरिडियम का यूज करते हैं। अगला आ जाता है फोडर के रूप में, है ना, चारे के रूप में। तो जो मवेशियां होती हैं उनको टेरिडियम का जो ताजा जो कचरा होता है उसको खिलाया जाता है, तो चारे के रूप में भी हो गया। अब आ जाता है उर्वरक के रूप में। तो उर्वरक के रूप में कैसे किया जाता है? उर्वरक के रूप में क्या होता है? जल फर्न होता है, है ना, एजोला होता है। एजोला में क्या होता है? साइनोबैक्टीरिया जो एनाबीना होता है ना, साइनोबैक्टीरियम जो एनाबीना होता है उसके अंदर क्या होता है? सहजीवन के रूप में रहता है। वो इसके अंदर सहजीवन के रूप में रहता है, इसलिए क्या होता है, जो चावल की खेती की जाती है उसमें उर्वरता है ना, एजोला को डाल दिया जाता है। किसके लिए? उर्वरता के लिए। तो किसका है? एग्जाम्पल है टेरिडोफाइट का। अब बात कर लेते हैं हानिकारक। हानिकारक के अंदर आपने एक छोटा सा नाम सुना होगा, ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, बहुत बार पूछ लिया जाता है। एलोफेटिक इफेक्ट क्या होता है? एलोफेटिक इफेक्ट, एलोफेटिक इफेक्ट क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। एलोफेटिक इफेक्ट क्या होता है? क्या होता है कि एलोफेटिक ये होता है जो इसका जो एक है टेरिडियम, एग्जांपल है एलोफेटिक का टेरिडियम। अब इसके अंदर क्या होता है जो एलोफेटिक इफेक्ट वो होता है, जैसे कि मान लिया ये कोई इतना सा अपन एरिया ले लेते हैं, इस एरिया के अंदर ये टेरिडियम है, ठीक है, ये टेरिडियम का जो प्लांट है ये प्लांट यहाँ पे ग्रोथ कर रहा है, ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ पे इसके जो आसपास के अंदर जो मिट्टी रहेगी, ये आप देख पा रहे हो इसके आसपास में, ये यहाँ पे इतनी इतनी दूर ले लो इसकी, इतनी इतनी दूर में किसी भी प्लांट को ग्रोथ नहीं करने देगा। क्यों नहीं करने देगा? क्योंकि ये क्या होगा, ये सेकेंडरी जो मेटाबॉलिक पदार्थ होता है उसको क्या करेगा? सिक्रेट करेगा, सिक्रेट करके जमीन पे नीचे गिर देगा। तो क्या हो गया, कोई भी जो सीड होएगा वो यहां पे ग्रो नहीं कर पाएगा, है ना, किसी भी और प्लांट को यहां पे नहीं उगने देता है। क्यों नहीं उगने देता है? क्योंकि यदि वो इसको उगने देगा तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, इसको वाटर का भी साझा करना पड़ेगा, इसलिए क्या होता है यहां पे किसी को भी नहीं उगने देता है। तो इस इफेक्ट को ही क्या बोलते हैं? एलोफेटिक।
इसके द्वारा क्या होता है, जो मृदा होती है, सॉयल होती है, उसमें क्या होता है, सेकेंडरी जो मेटाबॉलिक जो मैटर होता है उनको मिट्टी के अंदर छोड़ दिया जाता है, जिससे कोई और प्लांट है तो वहां पे ग्रोथ नहीं किया जाता, वो क्या होता है टेरिडियम का। तो ये थे इसके हानिकारक इफेक्ट, मतलब ये अपने आसपास किसी को भी नहीं ग्रो करने देता है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो पूरी देखने के लिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, कोशिश करूंगा अगली बार इससे भी अच्छी वीडियो बनाए।